उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर हम आपको बता दें कि सैयद हसन कौसर समाज सेवी ने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से दिया इस्तीफा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, जीना था जितना जी चुका मैं अपने वास्ते, अब जिंदगी यह आपके खातिर जीऊंगा मैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज की सेवा करने के लिए दिल में जज्बे की जरूरत है, ना कि संगठन की। उन्होंने आगे बताया कि जब किसी परिवार में अचानक कोई समस्या, बीमारी, मृत्यु किसी की हो जाती है तो समाज के लोग ये समझ नहीं पाते कि हम आखिरकार करें क्या। उन्होंने बताया है, सभी समस्याओं से निपटने के लिए परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको हम बता दें, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाए जाने और हटाए जाने के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, इस दलदल से हमें आजादी दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मौलाना कल्बेजावाद नकवी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें नर्क में जाने से बचा लिया। आइए डालते हैं विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। आप जैसे कह रहे हैं कि समाज सेवा में आए, क्या वो बाधा बन रही थी क्या? मेरे पास सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि समय कम है। समाज के लोग हमारे पास आते हैं जब दो गांव के ऊपर जाने आने में और सबके साथ व्यस्त रहने की वजह से उनको समय नहीं दे पा रहा था। तो मैं अब किसी भी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जाऊंगा जिस जगह पर जाने से समाज से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है और उनकी जरूरतों के लिए हम उनसे मिलकर उनकी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे। चुनाव से पहले आपको ये जनता का जो आया ख्याल कि सरकारी योजनाओं को हम जो है जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार के पास भी तो बहुत से सिस्टम है, तमाम तरह की होर्डिंग लगाते हैं, विज्ञापन देते हैं अखबारों में, हर तरीके से जनता तक पहुँचाते हैं, अगर समाज के पास सरकार द्वारा होल्डिंग से सारी समस्याओं का हल पहुंच गया होता तो हमको या क्षेत्र में समाज सेवियों को काम करने की, एनजीओस को काम करने की जरूरत ना पड़ती। तो मैं उस गुर्बत से पला, जिस गुर्बत से पलने के बाद मैं गरीब की समस्याओं को समझता हूँ। मैं उस वक्त में अपनी जिंदगी गुजार रहा था जब दो दो वक्त और तीन तीन वक्त के बाद किसी सूरत से घर में खाने को मिलता था, बड़ा परिवार था। तो मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज रही कि किसी भी सूरत से अपनी तरह समाज के सभी लोगों को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाया जाए। उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की और हर जगहों पर जाके सबके साथ मिल के काम करने की कोशिश की, लेकिन क्या करूँ, मैं समाज को किसी भी तरीके से वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाया जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। अब मैंने सारी चीजों से अपना फैसला बदलते हुए ये कोशिश की कि मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं से या अपनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान कराऊंगा और उसी के लिए काम करूंगा। अभी मैं आपके सामने, क्योंकि आपको प्रेस नोट दिया है तो मैंने आपको जो है तो उसमें प्रेस नोट दे दिया है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस्तीफे का है। मैंने तीन राष्ट्रीय संयोजकों से अपने इस्तीफा जो भेजा हूँ उनके नाम यहाँ से जो है तो भाई पोस्ट भेजने का वो किया है जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, कल उनको भेज दिया जाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप से उनको भी खबर दे दी जाएगी। एक बात और पूछना थी कि आपने शिया कॉर्पोरेट में आपका इससे पहले नाम गया, कमेटी में आप सदस्य बनाए गए और उसके बाद वो किसी भी कारणवश किसी भी अप्रोच के तहत वो नाम वापस हो गया। वो संघ के बहुत बड़े लोगों ने आपका नाम दिया था जिसे नरेश कुमार जी कहा जाता है, उसके बाद भी वो नाम आपका दोबारा वापस किया, तो क्या कहना है संबंध में? देखिए, शेयर सेंट्रल बोर्ड की जहाँ तक बात है तो मैं तो खुदा से पहले ही दुआ कर रहा था और ये अल्लाह का रहम करम रहा मेरे साथ कि इस सिलसिले में जहाँ तक मेरे पास लोगों के जरिए पता चला कि मौलाना सैयद कल्बेजावाद नकवी साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उस मेरे नाम को निरस्त किया गया, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। इस चीज़ के लिए मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ से मेरे नाम को निरस्त करा के मुझे कम से कम नर्क जाने से, दोजख जाने से रोक लिया। क्योंकि अगर कहीं वहाँ मैं पहुँच जाता तो इस 12 साल पुरानी जंग के दरमियान पहुँचने के बाद पता नहीं मैं किसकी कौन सी गलती का शिकार होता।
और उसके बाद मैं अपना जो इतने जीवन भर मैंने जो है तो समाज सेवा करके और अपने लिए कुछ रास्ते स्वर्ग के बनाए हैं, उनसे मैं दूर हो जाता। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस समय हम लोग बालकगंज में परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में, आज कार्यालय में एक बैठक रखी गई है। बैठक के दौरान कई बातों पर रोशनी डाली गई है। आज की बैठक का क्या उद्देश्य था, हमारे साथ में है सैयद हुसैन कैसर जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज की जो बैठक रखी गई है तो उसमें क्या क्या बातों को विस्तार पूर्वक से जानकारी दी गई है सामाजिक लोगों के लिए। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, मैं सैयद हसन कौसर। आज जो बैठक रखी गई उस बैठक में अभी तक मैं समाज के बीच रह के काम कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, जिसमें 2011 से जो हमारे पास मैंने प्रूफ के साथ में एविडेंस अपने पास मौजूद करके काम किया, इससे पहले मैं वैसे कर रहा था। तो जो समाज के साथ काम कर रहा था उसमें मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ के ऊपर मैं जुड़ा हुआ था, जो सामाजिक संगठन थे या उसके अलावा मजहबी संगठन थे, तो उस पर जुड़े होने की वजह से मेरे पास समय कम था और जो समाज के लोग हमारे पास अपनी समस्याओं को लेके आते थे मैं उनके साथ ना मिल पाता था, ना उनसे बात कर पाता था और ना उनकी समस्याओं का समाधान करवा पाता था। बहुत मुश्किल से आदमी 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद हमसे मिल पाता था और उसकी समस्या का समाधान होता था। इस वक्त जो मैंने ऐलान किया वो ये ऐलान किया कि मैंने अपनी खुशी के लिए जितनी जगहों के ऊपर अपने आप को जोड़ के और काम शुरू किया था, मैं उन सारी जगहों से आज इस्तीफ़ा दे रखता हूँ और मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। उसमें मेरा काम जो है वो समाज को किसी भी सूरत से मदद करना, उसकी समस्या का समाधान करना, उसको फ़ायदा पहुंचाना है। उसके लिए मुझे समय चाहिए और समय इधर उधर ना जाए, इसलिए मैंने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया है। तो समाज के लिए जो उसकी ज़रूरतें हैं वो उसे पूरा करने की पूरी अपनी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि वो शिक्षित नहीं है, दूसरा नुकसान ये है कि उसको किसी भी सरकार की योजना की जानकारी ही नहीं है। जब उसे जानकारी नहीं है तो उसकी वजह से वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है और पीछे के पीछे ही है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की के रास्तों तक पहुंचाने के लिए हमें हर हाल में सरकारी योजनाओं को उसको बताना पड़ेगा और सरकारी योजनाओं को बताने के साथ साथ उसे उस जगह से ले जाके उन योजनाओं पर उसको फ़ायदा भी दिलवाना पड़ेगा, तब जाके समाज की समस्याएं ख़त्म होंगी। बच्चों के स्कूल का जो वो है, तालीम के जो मामलात हैं, उन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और उसके लिए एक बड़ा समय चाहिए। तो उस समय को बचा के, समय बचाने के लिए मैंने तमाम जगहों से आज इस्तीफ़ा दिया और जनता के लिए, समाज के लिए मैंने आज ये ऐलान कर दिया कि अब जो मेरा जीवन बचा है वो जीवन सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा में ही अब मैं लगाऊंगा, इसके अलावा मैं अपनी खुशी के लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है समाज सेवा के लिए हमें किसी बड़े बैनर की जरूरत नहीं होती है, हम किसी भी तरीके की समाज सेवा अपना स्वतः ही कर सकते हैं। एक सामाजिक आदमी जो होता है, समाज सेवी जो होता है, उसे बैनर की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो पूरी तरीके से खुद सक्षम होता है। जिसे समाज की मदद करना होती है उसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं, उसका नाम जिसके साथ दिल चाहे आप जोड़ दीजिए और उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमें कहीं से कोई चीज़ चाहिए है, कहीं से हमें कोई फंड चाहिए है, तो हमें उस जगह तक जाना पड़ता है, वहाँ जुड़ना पड़ता है। हम परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी से 2011 से काम कर रहे हैं और 1988 से समाज के बीच रह के धार्मिक तौर पर काम कर रहे थे, सामाजिक तौर पर काम कर रहे थे, तो हम समाज सेवा तो करते चले ही आ रहे हैं। इसलिए हमें किसी बैनर की आवश्यकता नहीं है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता हमको है। सरकार द्वारा जो समस्याओं का समाधान है उस तक पहुंचने के लिए हमें समय की आवश्यकता है और ईमानदारी के साथ समाज की समस्याओं का समाधान करने की हमको ज़रूरत है। लोग दलाली कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं हैं उनको बताने वाला कोई है नहीं, समाज को पता ही नहीं है, 100 में 2 को पता चलता है, वो बेचारे जैसे तैसे अपनी उस योजना से फ़ायदा उठा लेते हैं, बाकी जिनको नहीं पता है वो कहाँ से इस फ़ायदा को उठाए। यही वजह है कि सरकार से लोग जुड़ते नहीं हैं। तो सरकार से जुड़ेगा आदमी जब ही जब हम उसको उस योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे और वो हम बहुत जल्द यहाँ से उस काम को शुरू कर देंगे और लोगों को समस्याओं का समाधान कराने के लिए उनको सरकारी योजनाओं का फायदा उपलब्ध कराएंगे। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच से तो आप काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, अचानक चुनाव नज़दीक आने पर ही आपने क्यों इस्तीफा दिया? ये तो देखिए, चुनाव जो है वो
हमारे लिए जो है तो हमेशा का है, पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, कभी लोकसभा का होता है, कभी विधानसभा का होता है, कभी पार्षदी का होता है, कभी मेयर का होता है, तो इलेक्शन तो अपनी जगह है। इस इलेक्शन के समय पर समाज की सेवा करने के लिए अपना जीवन त्याग देना, ये इस बात का सबूत है कि समाज के लोग जो हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर होशियार किया जाए कि आप ये ध्यान रखो कि जो आदमी आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, आपको किसी योजना के तहत जो है तो बचा रहा है, तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है, आप उसके साथ खड़े हो। ऐसा ना हो कि आप गुमराह हो कि फिर जाके धार्मिक लहर में या किसी जो है तो आदमी के कहने पर या जो है तो 4 पैसों का फ़ायदा हो जाने के ऊपर किसी को वोट दे दो और उसके बाद 5 साल तक पछताओ। तो इस वजह से इस काम को किया जा रहा है। और मेरा जो अपना काम है वो तो मैं रोज़ करता रहता हूँ, हर 10-5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मैं काम करता हूँ। यहाँ तक सवाल संगठन का है, मैं संगठन से जुड़ा हुआ था और पिछले तकरीबन 7 सालों से जुड़ के काम कर रहा हूँ, वेलफेयर से था या संगठन से था, वो एक ही चीज़ है मेरे लिए। इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, और संगठन की अपनी मीटिंग्स जो हैं, संगठन के अपने कार्यक्रम्स जो हैं, उसमें जाने की वजह से समाज से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, वो बेचारे यहाँ चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो एक तरफ तो मैं समाज में रह के एक संगठन के माध्यम से समाज को उसकी सेवा करने के लिए वहाँ से घोषणा करूँ, और दूसरी तरफ मैं उससे मिले हुई ना, तो ये तो सरासर गलत बात है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि बेहतर यह है कि समाज को किसी भी सूरत से उसकी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए समय निकाला जाए, और उस समय के लिए मुझे उन संगठनों को छोड़ना ज़रूरी था, तो मैंने उन संगठनों से इस्तीफा दे दिया। तो जैसे आपने अपने वार्ता में कहा था कि जितना जीना था अपने वास्ते जी चुका, आप जिंदगी जीना है औरों के वास्ते, तो इसके बारे में क्या कहा? देखिए, ये मैंने इस शेर के ज़रिए, एक क्योंकि मैं शायर भी हूँ, तो इस शेर के ज़रिए मैंने समाज को अपनी पूरी बात कह दी है। उसमें मैंने अपने जीवन के लिए कहा है कि अब तक का जीवन मैंने अपनी खुशी के लिए जिया, लेकिन अब जो मेरा जीवन है वो जीवन समाज की सेवा के लिए, समाज के लिए मैं जीऊँगा। तो जब मैंने अपना जीवन वक्फ कर दिया, त्याग दिया समाज के लिए, तो मेरा अपनी खुशियों से तो कोई लेना देना नहीं रहा। अब मुझे समाज के लिए ही पूरी तरीके से काम करना है, समाज के लिए ही पूरी जो है तो मदद करना है, और उसी के लिए मैं जीवन गुजारूंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छे काम करके और समाज की समस्याओं को दूर करके मैं उनको तरक्की के रास्ते पर ले जा सकूँ, ताकि वो भी तरक्की करें, हमारा देश भी तरक्की करें।